हेलो एवरीवन, आज देखिए जीजी प्लांट का प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे कि जीजी प्लांट को हम स्टेम कटिंग से जल्दी प्रोपगेट कर सकते हैं या एक लीफ से हम प्रोपगेट जल्दी करेंगे। तो दोनों का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सा बेहतर है और कौन सा प्रोपगेशन जो है जल्दी ग्रोथ करता है हमारा। तो आइए देखिए, ये 6 से 7 महीने पहले मैंने स्टेम कटिंग से ये मैंने ग्रो किया हुआ है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है कि स्टेम कटिंग से जीजी प्लांट का प्रोपोगेशन कैसे किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जा करके देख सकते हैं। ये देखिए, ग्रोथ काफ़ी इसकी अच्छी है। और जीजी प्लांट के लिए जब भी आप सॉइल मिक्स तैयार करें तो आप एकदम वेल्ड्रन सॉइल तैयार करें ताकि जो है इसकी ग्रोथ अच्छी रहे। ये देखिए, एकदम वेल्ड्रन सॉइल है। और बात कर लेते हैं कि लीफ से कैसे प्रोपोगेट करना है। तो मैंने करीब 1 से 1.5 साल पहले मैंने 4-5 लीफ से मैंने प्रोपोगेट किया था और इसकी ग्रोथ आप देखिए, ये 1.5 से मेरे ख्याल से 2 साल पहले मैंने इसको किया था और अब जाकर के देखिए इसमें एक दो पत्ते निकलना स्टार्ट हुए। इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो है, हालांकि इसमें राइजोम काफ़ी बड़े हो गए हैं तो हो सकता है कि अब इसमें ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो। तो मैं इसको आज रिपॉट कर रही हूँ। मैंने जिस पॉट में इसको लगाया था उससे मैं दूसरा इसको पॉट दे रही हूँ ताकि इसकी ग्रोथ अब अच्छी शुरू हो। इसको मैं एक ही पॉट में जो है लगाऊंगी, मिट्टी का पॉट है ये, और हालांकि बहुत बड़ा पॉट नहीं है ये। जीजी प्लांट एक इंडोर बहुत ही अच्छा प्लांट है और सबसे बड़ी चीज़ इस प्लांट में ये है कि आप इसको इग्नोर भी करेंगे तब भी ये अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है। सिर्फ आपको इसको मिट्टी और पानी का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आपने इसकी मिट्टी और पानी को थोड़ा सा ध्यान रखा तो ये आपके पास प्लांट काफ़ी दिनों तक सालों साल चलता रहेगा। फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि दोनों में जो है अंतर क्या है, लीफ कटिंग और स्टेम कटिंग में इतनी तेज़ी से ग्रोथ क्यों होती है और जो हम लीफ कटिंग करते हैं उसमें स्लो ग्रोथ कैसे होती है। तो लीफ कटिंग जो है वो जब भी हम लगाते हैं तो वो उसमें रूट्स निकलते हैं, फिर धीरे धीरे राइजोम बनते हैं, उसके बाद ये अपना स्टेम शुरू करता है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है और राइजोम बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और स्टेम कटिंग में क्या है, जब आप स्टेम कटिंग लगाते हैं तो इसमें जब स्टेम कटिंग में रूट्स जब आ जाती हैं तब भी ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है और नीचे राइजोम धीरे धीरे बनते रहते हैं, लेकिन प्लांट अपनी ग्रोथ ऊपर से करता रहता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास जीजी प्लांट है तो आप स्टेम कटिंग से ग्रो ज़्यादा बढ़िया है करना, क्योंकि ये बहुत जल्दी 5 से 6 महीनों में आपका एक पॉट तैयार हो जाता है, जबकि लीफ कटिंग से 2 साल 1.5 साल लग जाता है, जो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। और फिर उसमें कभी कभी होता है कि हम ध्यान नहीं रखते हैं, इसके राइजोम गल जाते हैं, प्लांट ख़त्म हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप स्टेम कटिंग से लगाइए और 5 से 6 महीने में ही अपनी प्लांट को तैयार कर लीजिए। दोनों में अंतर आप खुद देखिए, ये जो है 5 से 6 महीने की है स्टेम कटिंग और दूसरा जो पॉट है वो 1.5 से 2 साल पुराना पॉट है। तो दोनों आप खुद देखिए, लीफ कटिंग और स्टेम कटिंग में अंतर। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।